हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव। आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव होम्योपैथी के चमत्कार लखनऊ उत्तर प्रदेश में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम लोग एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक पे बात करेंगे। जैसा कि हम देख रहे हैं कि गर्मियाँ आ गई हैं और गर्मियों के मौसम में खासकर बच्चों को बहुत बड़ी समस्याएँ होने लगती हैं। बच्चों को डायरिया की समस्या बन जाती है और अगर जो देखा जाए तो बच्चों के साथ साथ बुजुर्गों को भी जो है बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ जाता है। तो बेसिकली अगर जो वो भाई बंधु या वो बुजुर्ग जन या वो बच्चे जिनको डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, माइंड से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो ऐसे लोग हमारे साथ बने रहें। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। अगर जो जनरली आपका बच्चा इन समस्याओं से, इन जो है सिम्टम्स से जूझ रहा है, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही कारगर होगा। तो कहीं मत जाएं, बने रहें हमारे साथ। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। मित्रों, यदि आपके बच्चे को खासकर इस मौसम में अगर जो डायरिया हो रहा है, उल्टी हो रहा है, लैट्रिन आने लग रही है और डेंटिशन हो रहा है, दांत निकल रहा है बच्चे का, और अगर जो आपको सिम्टम्स मिलता है कि बच्चे का वन चीक रेड, अनेदर इज पेल, एक गाल जो है लाल है और लाल वाला गाल छूने पर गर्म महसूस हो रहा है और जो पीला गाल है वो छूने पर ठंडा लग रहा है, तो ऐसे बच्चों के लिए, जी हाँ दोस्तों, जो भी दवा बता रहा हूँ जानकारी मात्र है। दवा का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्ड होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर के परामर्श के माध्यम से करें। यदि आपको लगता है कि मैं आपको राय दे सकता हूं, तो ऊपर दिए गए फ़ोन नंबर पर आप बात कर सकते हैं। बात करने का समय दोपहर में 1 बजे से 2 बजे तक निःशुल्क परामर्श देते हैं, आप इस टाइम पर बात कर सकते हैं। तो अगर जो इस तरीके का जो है सिम्टम्स मिल रहा है कि बच्चे का एक गाल लाल है, लाल वाला गर्म है और दूसरा गाल पीला है, पीला वाला ठंडा है, जी हाँ दोस्तों, कैमोमिला इज द बेस्ट। अगर जो देखने को मिल रहा है कि जो बच्चे का जो डायरिया हो रहा है वह है चॉप्ड लाइक एग चॉप या रोटन एग्स, जी हाँ दोस्तों, जैसे अंडे की बदबू आती है, कहीं फ्राई किया जा रहा है अंडा और उस बदबूदार जो है, जैसे जो है उसकी डायरिया लैट्रिन स्टूल से बदबू आ रही है, तो आँख मूंद करके कैमोमिला इज द बेस्ट। अगर जो बच्चा अनसिविलाइज्ड है, जी हाँ दोस्तों, अनसिविलाइज्ड है, कैन नॉट बियर, किसी को भी अपने इर्द गिर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता है, अर्थात कोई भी बच्चा उसके अगल बगल में आ जाए, कोई भी लोग खड़े हो जाए, तो वह चिड़चिड़ा जाता है, हमेशा अकेले रहना चाहता है और बहुत ही ज़्यादा इरिटेबल है, चिड़चिड़ा है, कोई भी चीज़ ऑफर किया जाता है तुरंत उसे फेंक देता है, तोड़ देता है, या जो है बहुत ही गुस्से में रहता है, या यूं कह लें स्लीपी, मोर स्लीपी बट कांट स्लीप, मम्मी को पकड़ता है, पापा को पकड़ता है, सो सो, लेटो लेटो, मेरे साथ लेटो लेटो कहता है, लेकिन सोता नहीं है, लेटा लेता है, आराम मिल जाएगा उसको लेटने पे, उसके माँ बाप से साथ या जिसको भी कह रहा लेटा ले, आराम उसको जो है बस इतना जिद से आराम मिलेगा, ना कि मेंटल कामनेस मिलेगा। तो ऐसे बच्चों के लिए, चिड़चिड़ापन वाले बच्चों के लिए कैमोमिला इज द बेस्ट। अगर जो बच्चा बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी है और किन्हीं चीज़ों को मांगता है और मांगने पे जो उसे प्राप्त होती है उसे तुरंत फेंक देता है, तोड़ देता है, तो ऐसे बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा काम करेगा। अब आइए मित्रों, जैसा कि मैंने कहा बुज़ुर्गों के लिए, जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, नंबनेस। अगर जो किसी का ठंडक के वजह से, बहुत ज़्यादा आइस के वजह से, बहुत ही ज़्यादा बर्फीली जगहों पर जाने के वजह से अगर जो उनका कोई अंग सुन्नपन हो गया है, चिंगोटी काटने पर, पिंच करने पर कोई सेंसेशन नहीं हो रहा है और बहुत ही ज़्यादा पेनफुल है, तो ऐसे लोगों के लिए कैमोमिला इज द बेस्ट मेडिसिन। बार बार बाथरूम हो रही, छुल छुल बाथरूम जाना पड़ रहा है और जो है एकदम से इंसान परेशान हो गया है, बार बार यूरिनेशन हो रहा है, तो ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है कैमोमिला। कोई नर्सिंग मदर है और जो है बच्चा बड़ा हो गया है, समय भी पूरा हो गया, साल दो साल फीडिंग कराने के बाद में भी अगर जो
उसमें से दूध आना बंद नहीं हो रहा है, तो ऐसे माताओं के लिए कैमोमिला इज द बेस्ट। मित्रों, अगर जो देखा जाए तो कैमोमिला का जो प्लांट है वो अपने आप में बहुत ही सिम्टम से भरा हुआ है, बहुत ही रहस्यमय पौधा है, एनुअल प्लांट है, गेहूं और चावल के फसल के बीच में उगता है और उगने के साथ साथ ये बहुत ही बड़ा जो है परेशानी का कारण हो जाता है किसान के लिए, क्योंकि तो किसान इसे जो है प्रारंभिक अवस्था में समझ नहीं पाता है कि है क्या, और जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे इसके फूल कांटे किसान के लिए बहुत ही ज़्यादा दुखदायी होते हैं। तो इसी तरीके से अगर जो कोई भी डिजीज जो कि एक्यूट स्टेज से लेकर के और उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में डाल रही है और सिम्टम्स मैच कर रहा है, तो कैमोमिला बहुत ही अच्छा दवा है। अगर जो किसी बच्चे का दांत निकल रहा है, डायरिया हो रहा है और उसके गालों के सिम्टम जैसा मैंने बताया मिल रहा है, तो आँख मूंद करके कैमोमिला बहुत ही अच्छी दवा है। इसके अलावा किसी के प्रोस्टेटिस की प्रॉब्लम हो रही है, स्कैंटी यूरिनेशन की समस्या है, तो बहुत अच्छा है। एनी एंड एवरी स्टेज ऑफ गैस्ट्राइटिस, जी हाँ दोस्तों, आपने सब कुछ खा करके देख लिया है, आपने नक्स भूमिका ले लिया, लाइकोपोडियम लिया, चेलिडोनियम लिया, कार्डुअस लिया, कार्बोवेज ले लिया और आपकी गैस्ट्रिक कंप्लेंट दूर नहीं हो रही है, तो एक बार कैमोमिला जो है लोअर पोटेंसी में सुबह सुबह लेकर के देखें और देखिए कितना अच्छा चमत्कारी इसको लाभ मिलेगा। बशर्ते दवा का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्ड होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर के माध्यम से करें। इन्हीं बातों के साथ जय हिंद, जय भारत। और लंबा जो है गैप लगा वीडियो बनाने में, तो मित्रों को बिजी था मैं इस समय और थोड़ा टूर पे चला गया था बाहर, इसीलिए जय हिंद, जय भारत, जय होम्योपैथी। मिलते हैं नए नए वीडियो के साथ। नमस्कार।